जहां एक और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस परिचले वासियों को अपनी आगोश में ले रही है, वहीं बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन 4 जून तक लगाया गया है। इस लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई है, जिसे सुबह के 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक अल्टीमेट करके दुकान खोलने का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आज बेगूसराय के काली स्थान में शुक्रवार को खस्सी काटने के दौरान लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं दिखा। खस्सी काटने वाले लोगों का कहना है कि माता रानी का मंदिर है, यहां किसी को कुछ नहीं होगा। इस भीड़ में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या फिर ट्रैफिक पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नहीं दिखी। इस तरह से नियमों का उल्लंघन कर कहीं ना कहीं लोग अपनी ही जान जोखिम में खुद डाल रहे हैं। देखिए बीएनपी न्यूज की रिपोर्ट, शिव कुमार के साथ। काली मंदिर हुआ, यहाँ शुक्रवार को खस्सी काटता है, मंगलवार हल्का फलका रहता है, माँ का पूजा होता है, सब लोग जाता है। 6 बजे दिन तक 2 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाता है। सरकार द्वारा है प्रार्थना करता है बीमारी से हमको दूर किए, संकट से बचाने वाला एक भगवान है और कोई नहीं है। क्या लगता है आपको, भीड़ में फिर कोरोना बढ़ जाएगा कि यार घट जाएगा? माँ के दरबार में आया तो किसी को कुछ नहीं होगा। तो इसमें सरकार, अभी सरकार कहीं लॉकडाउन लगा दे, इसमें क्या कहना है आपको? फिर भी इंसान मानना है तो ऐसा ही मांगेगा, मगर भगवान के शरण में जाके प्रार्थना करेगा उनसे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुख चंदन कुमार हुआ। आप कहाँ घर है? मेरा घर मनोनी हुआ। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ ऐसे पूजा घूमने सुनने आए।